भी जीन ली और जो सन कोटा हमें मिलता था वो भी जीन लिया और जो डिजीज कोटा हमें मिलता था उस पर भी पाबंदी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चाहिए रोशन ख्याली, अरे यही तो है बदाली, इसी के खिलाफ तो हम लड़ना चाहते हैं क्या? और सब बोलो, इन सब बातों के खिलाफ हम क्या लड़ना चाहते हैं? अब क्या लाएंगे? अब है के रहेगी, अब हो के रहेगी, अब आ के रहेगी, अब ला के रहेंगे। मेरे साथियों और दोस्तों, थोड़ी सी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि मैं देना चाहता हूँ अपने मोहतरम भाई, अपने दोस्त और हम सब के भाई अहमदुल हसन को मैं देना चाहता हूँ कि वो आपके सामने असल पराया रखे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, थोड़ी सी बात तवज्जो के साथ, थोड़ी सी बात एक तवज्जो के साथ मैं करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, चीन जिया शाहीन तीन दफा लड़के बूढ़ा हो गया है। अब जब शाहीन की सिफात खत्म हो गई है तो उसमें गिद्ध की सिफात पैदा हो चुकी है। वो अपने भाइयों का गोश्त नोच रहे हैं, वो आपके और मेरे बच्चों का गोश्त नोच रहे हैं। वो मुसलसल तीन दफा रहने के बाद हमारी सफाई और बर्बादी का सामान कर चुके हैं और अगर अब उनको मौका मिला तो हमारी कब्रों से भी हमारा गोश्त नोच खाएंगे वो। मेरे भाइयों, दूसरे नंबर पे ये जो हमारे मोहतरम साथी हैं, मैं बात नहीं करना चाहता था इन लोगों के खिलाफ, लेकिन मेरा दिल आज रो रहा है खून के आंसू और ये कह रहा है कि कह दो जो बात हक है, कह दो वो बात जो सच है। मेरे भाइयों, 55 दिन की हड़तालें खत्म किससे कराई? कार्य के साथ उसके कौन गया? चौधरी मंजूर के कहने पर हड़ताल किससे खत्म कराई? आज सब लोग उसको जानते हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कराची की एक तंजीम का सहारा लेने वाले, कराची की एक ताकत का सहारा लेने वाले कहते थे, मिंबर में कहते थे कि हाँ 5,000 वो वोट, 2,000 बलूचिस्तान का, 7,000 वोट हमें मिल गया। मैं आपको इनकी ये कैसे सुना सकता हूँ कि ये कहते थे कि हमें पंजाब के वोट की जरूरत नहीं है, पूरे पंजाब से सिर्फ 2,000 वोट लेंगे तो हम सीधे बन जाएंगे। लेकिन आज वो फूल भी मुरझा चुका है मेरे भाइयों, क्योंकि एमकेएम ने उसकी हिमायत नहीं की, आज वो फूल जो है जमीन पे गिर गया है। मेरे भाइयों, अब बचा तो क्या बचा? इस तारीख रात से रोशनी फैलाने वाली शराबी, अब क्या होगा? उजाला होगा, उजाला, शमा, शमा एक नगर का नाम है, शमा एक जदोजहद का नाम है, शमा एक आजादी का नाम है, शमा एक तरक्की का नाम है, शमा एक रुझत पसंदी से तरक्की का नाम है। शमा चलती है तो एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है तो बल चलते, बल चलते तो फिर एनर्जियां पैदा होंगी और बल से बल रोशन होंगे तो फिर तरक्कियां होंगी, तरक्कियां होंगी तो तहरीक बनेगी, तहरीक बनेगी फिक्र पैदा होगी, फिक्र पैदा होगी तो फिर एक सोच बनेगी और जब सोच बनेगी तो इंकलाब आएगा। इंकलाब कौन लेके आएगा? सिर्फ आप इंकलाब ला सकते हैं। खुदा की कसम, हमारे इस इंकलाब की राह में कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ अगर है तो वो हम और आप ही हैं। क्योंकि हम सब जब वक्त आता है तब्दीली का तो कोई बिरादरी में फंस जाता है, कोई ताल्लुकात में फंस जाता है, कोई रिश्तेदारी में फंस जाता है, कोई किसी और चीज में फंस जाता है। मेरे भाई, एक छोटी सी बात रिपीट करके मैं बात खत्म करता हूँ। आपका वोट बारिश का हो खतरा है, आपका वोट बारिश का हो खतरा है। जब वो जखीर जमीन पे गिरता है तो लहलाती फसल पैदा करता है, खेत पैदा करता है, कल्याण पैदा करता है, आपका मेरे लिए रिस्क पैदा करता है। लेकिन जब वो खतरनाक सांप के मुंह में गिरता है तो वो एक जहर बन जाता है। तो क्या आप किसी सांप के मुंह में वोट डालेंगे या जखीर जमीन पे वोट डालेंगे? फैसला आपने करना है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कयादत है।